गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 4 है द नॉर्थन प्लान। इसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं आगे रिवर बेसिन। नॉर्थन प्लान में कौन कौन से रिवर हैं, कौन कौन से रिवर का बेसिन है, नदी का किनारा, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो इसमें है ए रिवर बेसिन इज एन एरिया ऑफ लैंड थ्रू विच ए रिवर फ्लो। 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स द सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। द डिवाइड दिस प्लेन इंटू 3 रिवर्स बेसिन। नॉर्दर्न प्लेन में जो है 3 प्रमुख नदियाँ बहती है, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इन नॉर्दर्न प्लेन की 3 प्रमुख नदियाँ हैं, मतलब इन तीन नदियों के साथ साथ कई सारी नदियाँ इनकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब इनका सहयोग करती है। बट लेकिन ये जो है नॉर्दर्न प्लेन का, इनको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है रिवर बेसिन। क्या क्या है? तो पहला है द सतलज बेसिन, दूसरा है द गंगेस्टिक बेसिन एंड तीसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो फर्स्ट है आपका द सतलज बेसिन, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। द सतलज बेसिन इज मेनली फॉर्मेड बाय द रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी द रिवर ब्यास। सतलज नदी जो है वो मेनली सतलज बेसिन जो है वो मेनली जो है सतलज नदी से बना है और उसका ट्रिब्यूटरी नदी है, मतलब सहयोग करने वाली नदी है ब्यास। बोथ द रिवर फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लान टुवार्ड्स साउथ ईस्ट एंड इंटर पाकिस्तान। ये जो नदियाँ बहती है किधर से बहती है, तो वेस्टर्न मतलब पश्चिमी भाग में, ज़्यादातर जो है पश्चिमी भाग में बहती है। और ये नॉर्थन प्लान होते हुए मतलब साउथ ईस्ट होते हुए मतलब दक्षिण पूर्वी भाग होते हुए इंटर करती कहाँ से, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भाग में इंटर करती है। दे आर ज्वाइंट द इंडस रिवर, और वो ये इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। पंजाब एंड हरियाणा आर द टू स्टेट लेइंग इन सतलज बेसिन, और सतलज बेसिन में कौन कौन से 2 स्टेट हैं, पंजाब और हरियाणा। द क्लाइमेट ऑफ सतलज बेसिन इज एक्सट्रीम, और सतलज बेसिन का क्लाइमेट क्या है, पूरा एक्सट्रीम है। इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, और यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता, ज़्यादा बारिश नहीं होता है। हैंस फार्मर डिपेंड ऑन कैनल रिवर्स एंड डैम्स फॉर वाटर, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होने के कारण यहाँ के जो किसान हैं वो कैनल, डैम्स पे और नदी पे निर्भर होते हैं। द भाखरा नंगल डैम हैज़ बिन बिल्ट ऑन द रिवर सतलज। भाखरा नंगल डैम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो सतलज नदी पे बना हुआ है पंजाब में। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरीगेशन, और ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करती है। द सतलज बेसिन हाउएवर इज वेरी फर्टाइल, सतलज बेसिन जो है वो कैसे जाकर के बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप वेट राइस, ग्राम, मेज, पल्स, ऑयल सीड, चिलीज, शुगर कैन एंड सेवरल वेजिटेबल आर ग्रोन हियर। ये जो सतलज बेसिन है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्रॉप्स का खेती किया जाता है। यहाँ पे जितने आप देख रहे हैं कि चावल, गेहूँ और बहुत सारी सब्जियाँ भी उगाए जाते हैं यहाँ पे। फिर सेकेंड आपका द गंगेस्टिक बेसिन, मतलब गंगा नदी का किनारा, कौन गंगा नदी कहाँ से कहाँ बहती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और इसके कौन ट्रिब्यूटरी नदीज क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, कौन कौन से स्टेट होते हुए जाती है और इसमें कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ सेड दैट द गंगा, इसको द गंगा नदी कहते हैं, द होली रिवर ऑफ हिंदूज, और ये क्या है, हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है। वाज ब्राउट बाय भागीरथी ऑन अर्थ एज पर हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, धर्म ग्रंथ के अनुसार गंगा नदी जो है भागीरथी ने लाया है अर्थ पे। इसका भी एक रोचक कहानी आप लोग अगर भगवान वाला देखते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने बड़ों से कि गंगा नदी कैसे धरती पर आई है। द गंगा रिवर्स ऑर्गेनेट्स एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। ये जो है ये कहाँ पे, गंगा नदी का ऑर्गेनेट जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो गंगोत्री में है, हिमालय ग्लेशियर में। लेटर इट इज़ ज्वाइन बाय द रिवर्स मंदाकिनी एंड अलकनंदा, और इसके साथ जो है बाद में आगे जा कर के इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा जुड़ती है। इट फ्लो एट ए हाई स्पीड फ्रॉम द स्टीप माउंटेन एंड इंटर द प्लान
एट हरिद्वार। ये जो है पूरा पहाड़ों में बहते हुए, पहाड़ पे इसका क्या होता है, धारा बहुत तेज़ होता है, लेकिन जब ये हरिद्वार के बाद क्या होता है, ये प्लेन में एंटर करती है, मतलब उसके बाद पहाड़ कहीं भी नहीं है, ये प्लेन में बहती है, तो इसका धारा क्या होता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो है जहाँ भी पहाड़ पे है तो इसकी धारा, इसकी गति जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। आप लोग हरिद्वार भी गए होंगे स्नान करने के लिए, हरिद्वार में देखे होंगे, तो हरिद्वार के बाद क्या होता है, ये प्लेन में बहती है। उसके बाद है द गंगा इज अबाउट 2500 किलोमीटर, और इसके बाद जितने भी ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।